नए साल में गुजरात का ये मेरा पहला दौरा है। आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहारों का समय है, आने वाले समय में अनेक त्योहार आने वाले भी हैं। उत्तरायण का पावन उत्सव आप सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। गुजरात में एक और उत्सव कल से शुरू होने वाला है, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहां जुटे हैं। व्यापार और कारोबार की दुनिया के बड़े बड़े नाम, उनको गुजरात अपना लगने लगा है। नए भारत की नई व्यवस्थाओं के कारण व्यापार और कारोबार में भी उत्सव का माहौल, और यही तो गुजरात की विशेषता है। साथियों, उत्सव का आनंद तब और अधिक आता है जब परिवार का सब सदस्य उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आज इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। आज अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा को सौंपने का मुझे अवसर मिला है। मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आभारी हूं, गुजरात सरकार का आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। 750 करोड़ रुपए की लागत से बना सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च आपकी सेवा के लिए समर्पित है। इस विश्व स्तरीय अस्पताल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश सरदार साहब को एक कुशल प्रशासक, विजनरी नेता और किसानों के मसीहा के तौर पर जानता है। लेकिन साथ साथ सरदार साहब स्वच्छता और जन आरोग्य को लेकर के भी बहुत आग्रही थे। इसी भावना के तहत उन्होंने अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में अपना योगदान दिया। जब वे इस नगर के अध्यक्ष थे, मेयर थे, उस समय भी स्वच्छता और स्वास्थ्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें म्युनिसिपालिटी हुआ करती थी, एक प्राइम एजेंडा हुआ करता। और सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी, जिस शहर से उन्होंने अपना राजनीतिक दायित्व का प्रारंभ किया था, उस शहर का इस प्रकार से फलना फूलना, ऐसी बड़ी अस्पताल बनना, सरदार साहब जहां होंगे वहां उनके आत्मा को जरूर शांति मिलती है। और इस कार्य से जुड़े आप सबको सरदार साहब के अनेक अनेक आशीर्वाद भी प्राप्त होते रहेंगे, मेरा विश्वास है। अहमदाबाद में बना ये नया और आधुनिक अस्पताल भी मैं समझता हूं स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया में अपने आप में अपना एक महात्मा बना हुआ। साथ ही इस अस्पताल का थोड़ी देर पहले मैंने निरीक्षण किया, मैं वाकई कहता हूं मैं मंत्र मुग्ध हूं। और सच में, और जब एक सपना सच होता है, अपनी आंखों के सामने उसको देखने का मौका मिलता है, कितना संतोष होगा
इसकी आप कल्पना भली भांति कर सकते हैं। 2011-12 में जब इस विषय की हम चर्चा कर रहे थे तब भी न जाने कैसी कैसी नकारात्मक बातें चलती थी बाजार में, कैसे कैसे मन ग्रहण आरोप लगते थे, लेकिन आज जो भी इसे देखेगा उसे जरूर संतोष होगा कि सामान्य मानवीय के जीवन में ऐसी व्यवस्थाओं का कितना महत्व होता है। और देश में बहुत शायद कम कॉरपोरेशन होंगे जो अपनी निर्धारित सेवाओं को जिम्मेवारी के अतिरिक्त इस प्रकार की जिम्मेवारियों को संभालते हो और उसको उत्तम तरीके से आधुनिक तरीके से दुनिया की बराबरी करने वाली व्यवस्था बनाते हो, ऐसा बहुत कम नजर आता है। और इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी इस काम को करने वाले जिन जिन को जिम्मा मिला, क्योंकि करीब 2012 से चल रहा है, जिन जिन को जिम्मा मिला, जिन जिन लोगों ने अपना समय दिया, अपनी बुद्धि कौशल्य सामर्थ्य को समर्पित भाव से लगाया, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, जिसके कारण आज ऐसा उत्तम अस्पताल, और ये सिर्फ सिटी के लिए नहीं, देश के अन्य राज्यों के लिए भी, और वर्ल्ड क्लास अस्पताल के मुकाबले का अस्पताल, यहां के कमरे हो, बेड हो, या फिर यह पूरा कैंपस, आधुनिकता और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड की सुविधा वाला यह अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है। ये यहां का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां अपना हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस को उतारने की सुविधा है। साथियों, मुझे याद है कि एक दो दशक पहले तक गुजरात में न सिर्फ अच्छे सरकारी अस्पतालों का अभाव था, बल्कि इनके लिए डॉक्टर और दूसरे मैन पावर की आवश्यकता होती थी, उसकी भी बहुत बड़ी कमी थी। सरकारी अस्पतालों में से जाने से लोग बचते थे और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर पाना सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए बस में था, वही कर पाते थे। और ये चीजें मन को पीड़ा करती थी। इसी स्थिति से गुजरात को बाहर निकालने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत फैसले लिए थे। हमने नए सरकारी अस्पताल बनवाने, नए मेडिकल कॉलेज बनवाने और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मुझे अब ये देखकर खुशी होती है कि आज गुजरात न सिर्फ गुजरातियों को बल्कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में एक सक्षम इकाई के रूप में खड़ा हो। पिछले 1.5 दशक से गुजरात में मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। अब विदेश से स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग गुजरात आते और सरदार साहब के नाम पर बना यह अस्पताल अब यहां के हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूती देगा। और सबसे अहम बात यह कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला ये एक और अस्पताल है। आम तौर पर होता यह है कि इतने आलिशान इतने भव्य अस्पताल में पैर रखने से भी गरीब घबराता है, वो मानता है कि इतनी चकाचौंध में इलाज तो बहुत महंगा ही होगा। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में
आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा। भाइयों और बहनों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत ही कम समय में गरीब से गरीब के भीतर स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा का भाव जगाया है। आज देश के करीब 50 करोड़ गरीब भाई बहनों को यह विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको अपना घर जमीन गिरवी रखने की जरूरत न है, पैसा न भी हो तो भी वो स्वस्थ हो सकता है। ये विश्वास आज हर गरीब को मिला है। साथियों, कुछ लोग इस योजना को मोदी केयर भी कहते हैं। इसकी सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 100 दिन के भीतर ही 7 लाख गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। इस योजना के तहत अब हर दिन एवरेज औसतन 10,000 गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अभाव के कारण वर्षों वर्षों तक ये लोग, ये परिवार इलाज नहीं करवा पा रहे थे। अगर मुसीबत आ भी गई तो वो कहता है कितने दिन जीना है, परेशानी झेल लेंगे, बच्चों को कर्ज के अंदर डुबो करके नहीं जाना है। और इसलिए परिवार के लोग पीड़ा सहते थे पर उपचार नहीं करवाते थे क्योंकि संभव नहीं था। आज इनको आयुष्मान भारत का सहारा मिला है। सब देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए सरकार दिन रात में काम में जुटी है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के परिवारों को कम से कम कीमत में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने जेनेरिक दवाओं को भी प्राथमिकता दी। हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का एक अभियान चलाया। अभी तक देश भर में करीब 5,000 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मार्केट रेट से लगभग 50% सस्ती हैं। जो दवाई 1,000 रुपए में आती है वो 350-400 रुपए में मिल जाती है। इन केंद्रों से विशेष तौर पर उन परिवारों को लाभ हुआ है जिनको डायबिटीज जैसी बीमारियों के चलते नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में 850 से अधिक दवाओं और सर्जरी के सामान की अधिकतम कीमत निर्धारित की है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और उसका परिणाम ये आया है कि आज सर्जरी का सामान हो, दवाइयां हो, ये सस्ते में उपलब्ध संभव हुई है। भाई और बहनों, हार्ट की बीमारी में काम आने वाले स्टेंट्स 85% तो घुटने की सर्जरी में काम आने वाले इम्प्लांट करीब 70% सस्ते हुए हैं। सिर्फ स्टैंड की कीमत कम किए जाने से ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को साल भर में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। वहीं नी इम्प्लांट की कीमत कम होने से लोगों को सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बचत हो गई। इसके अलावा किडनी की बीमारी से पीड़ित बहनों भाइयों के लिए देश के लगभग
450 जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए जा चुके हैं। इन सेंटर पर मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इससे पिछले वर्ष तक करीब 35 लाख मुफ्त डायलिसिस सेशन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हर सेशन से किसी न किसी गरीब के लगभग 2000 रुपये बच भी रहे हैं। साथियों, बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के गांव गांव तक प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। आजादी के 75 साल होंगे, वर्ष 2022 तक देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लक्ष्य को लेकर आज भारत सरकार काम कर रही है। इस पर गुजरात सहित सभी राज्यों में तेजी से काम चल रहा है। यहां पर सामान्य बीमारियों की जांच तो होगी, अनेक प्रकार के टेस्ट भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे। साथ ही बीते 4 वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन भी उसका भी अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इस दौरान 18,000 से अधिक MBBS और 13,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई है। मध्यम वर्ग के बच्चे जो हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हुआ है। यहां गुजरात में भी हजारों नई सीटें जोड़ी गई। देश के हर 3 संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है। साथियों, स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जाने की वजह से निजी अस्पतालों के नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजना के कारण छोटे छोटे कस्बों में भी जरूरत बढ़ रही है, लिहाजा नए अस्पताल भी तेजी से खुल रहे हैं। नए अस्पताल खुल रहे हैं तो डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की भी मांग बढ़ रही है, यानी युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में बनने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जब रोजगार और युवाओं को अवसरों की बात आती है तो हाल में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सामान्य श्रेणी के गरीब बच्चों को सरकारी सेवाओं के साथ साथ सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि आपने सबसे पहले इसको लागू किया है। अब तो केंद्र सरकार सहित अनेक राज्य सरकारों ने इसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों, जाति वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की मांग तो दशकों से चल रही थी, लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति की कमी, चुनाव चुनाव के दौरान राजनीतिक दल ये तीर फेंक दिया करते थे, लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती थी वो करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई, हमने करके दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से ये जो व्यवस्था हमने की है, ये बाकी किसी भी वर्गों के हक को छेड़े बिना की गई, यानी इससे सामाजिक समरसता के नए द्वार खुलेंगे। जो गीले शिकवे पहले रहते थे वो इससे दूर होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने ये फैसला भी किया है कि शिक्षण संस्थाओं में इस नए आरक्षण का लाभ इसी साल नए सेशन से मिलेगा। देश की 900 यूनिवर्सिटी और लगभग 40,000 कॉलेजों पर यह आरक्षण लागू हो जाए। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट, हर प्रकार के संस्थाओं में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए जल्द ही जरूरी आदेश जारी हो जाएंगे। इतना ही नहीं,
नई व्यवस्था का मौजूदा सीटों पर असर ना पड़े, इसके लिए संस्थानों में सीटों की संख्या भी 10% बढ़ाई जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश में अवसरों की समानता के प्रति प्रतिबद्ध है। नए भारत की शक्ति हमारी युवा शक्ति है। युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग तभी कर पाएगा जब उसको उपयुक्त अवसर मिलेंगे। अवसरों में भेदभाव से प्रतिभा पर असर पड़े, ये बातें पुरानी कर दी है। समानता के लिए बीजेपी का समर्पण हमारे संस्कारों से, हमारे संघर्ष से जुड़ा है। हमें पता है कि गरीब का संघर्ष क्या होता है, और इसलिए हम पूरी निष्ठा के साथ समाज के हर क्षेत्र में समान अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, अवसरों के अभाव में कोई पीछे ना रहे। मध्यम वर्ग हो या गरीब, शहर हो या गांव, देश का कोई वर्ग, कोई भी कोना विकास से ना छूटे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यही सबका साथ सबका विकास है, और यही न्यू इंडिया के निर्माण के लिए हमारा रास्ता है। हम सभी को मिलकर इस रास्ते पर पूरी रफ्तार से चलना है। इसी आग्रह के साथ मैं एक बार फिर आप सबको इस नई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन अस्पताल के उद्घाटन में ये तो नहीं कह सकते कि अस्पताल भरा रहे। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी स्थिति न आए, किसी को अस्पताल आना ही न पड़े। लेकिन अगर आना पड़े तो पहले जब आए थे, पहले थे उससे ज्यादा अच्छे बन करके जाएं। ये मेरी आप सबको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, उनके इस सफल प्रयास के लिए अनेक अनेक साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव जो दीर्घ दृष्टा रहा है, सामान्य मानस ने विविध स्कीम द्वारा सहकार आप्यो छे, जेमने प्रत्येक भारतवासी जीवन स्तर ने उच्च स्थाने लई जवानो निरंतर प्रयास कर्यो छे, तेवा माननीय प्रधानमंत्री